कभी लोगों को कहते हुए सुना है कि ट्रू लव टाइमलेस होता है? मुझे ऐसे चीजें बोलने वालों के दांत तोड़ने का मन करता है। टाइमलेस का असली मतलब क्या है? वेट करना। ये तो हर लव स्टोरी में होता है। इट्स अ वेटिंग गेम। लड़की रुकी कि वो कब पूछेगा, लड़का रुका हुआ कि राइट टाइम कब आएगा और मैं पूछूंगा। ट्रू लव होने के लिए कभी कभी 10 साल लग जाते हैं। 10 पूरे साल वेट उसी बात का होता है कि वो कब पूछेगा, राइट टाइम कब आएगा। टाइमलेस माय फुट। अब एक काम करते हैं, आज मार ही डालते हैं साले को। प्रिंसिपल ने क्लास में सबके सामने बैंड बजा दी, उसे मार डालेगा। हाँ, मेरे पास बेटर प्लान है। क्या? ये देख। अबे ये क्या है? प्रिंसिपल का बर्थडे है, मैं उसके लिए केक लाया हूँ। और हम भी जहर इसकी केक में डाल के मार डालेंगे साले को। जिंदगी खराब करने वाले सारे आइडियाज तेरे दिमाग में क्यों आते हैं? ये जहर नहीं है तो जुलाब है, बकरी का, जो तू उसे खिलाएगा। अभी मैं क्या कर रहा है? प्रिंसिपल होगा अपने घर का होगा, ईगो हट की तेरी, उसने इंसल्ट की तेरी, पीछे मत हट। तो तेरी भी तो इंसल्ट की है, तू भी चल मेरे साथ। हाँ तो दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है चल। जुलाब तो कूट। हाँ है, अरे मतलब जुलाब की दवाई। हाँ हाँ चल चल जल्दी कर। और अब हम ये इसके केक पे छिड़केंगे। और प्रिंसिपल अगले पूरे हफ्ते छिड़कता रहेगा, छिड़काता रहेगा, छिड़कता रहेगा, छिड़काता रहेगा। चल। क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? तुम ये नीचे बैठी है, मेरे को दिखाई थोड़ी ना दी। हट तेरी तो। पागल कहीं का। Idiots, duffers, एक नंबर के तुम लोग दोनों। गाली देती है? एक तो केक गिराती है, ऊपर से गाली देती है। मैंने केक गिराया? मैंने गिराया केक? मैं चल छोड़, हट यहाँ से। और बाय द वे तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? हम वो प्रिंसिपल का बर्थडे, उनके लिए केक लाए हैं। मैं भी, पता है कितना डिफिकल्ट होता है रात को पीछे वाले गेट से अंदर आना। छोड़ यार मनु, चलते हैं यहाँ से। किधर जा रहे हैं? सॉरी कौन बोलेगा? ओए किस बात की सॉरी? तूने जो मेरा केक खराब किया उस बात की सॉरी। और तूने हमारा केक खराब किया उसका क्या? तू सॉरी बोलेगी? और किसने मेरे को लात मार के गिरा उस बात का क्या? और गिराकर पी तोड़ी उसका क्या? तू सॉरी बोलेगी? तू सॉरी बोलेगा? तू सॉरी बोलेगी? तू सॉरी बोलेगा? तू बोलेगी? तू बोलेगी? तू बोलेगी? मैं ही सॉरी बोल देता हूँ यार। नहीं, ये बोलेगी। अगर फुकरो के डेफिनेशन के बगल में किसी बंदे की फोटो डालनी होती तो वो डंपी की फोटो डालते। फुकरे पंक्ति में डंपी और उसका दोस्त मनु, दे वर अ क्लास अपार्ट। दिन भर कैंपस में बस पहले बैठना। डंपी के लाइफ में कोई गोल नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, एक्चुअली कुछ करने का मन ही नहीं। और उसके दोस्त का दिल आ गया, साशा। 17 की एज में साशा ने ऑलरेडी अपने अगले 5 साल का प्लान बना दिया। उसे अपने करियर के साथ क्या करना है, अब कौन सी एज में सीरियस रिलेशनशिप में होगी, कौन सी एज में वो शादी करेगी, सब कुछ। और ये सब कुछ उसे अगले 5 साल में करना था। साशा के पास टाइम पास करने का कोई वक्त ही नहीं था। अनु, क्या हुआ? अबे दिल्ली ले गई यार। कौन? वो केक वाली? हाँ वो केक वाली। भाई सेटिंग कराना मेरी उससे प्लीज। अब किसकी? तेरी और उसकी? हाँ अभी तो देखा उसे, अभी मैं जानता भी नहीं उसे। तो मैं पता लगा कर देता हूँ ना भाई। तो जाके बोलूंगा क्या उसे? अरे सुन, तू ऑफकोर्स तू यही बोलेगा कि तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसे वेज नॉन वेज दोनों तरीके के जो आते हैं, और हाँ मूवी की प्रेफरेंस वो तो होनी बहुत जरूरी है ना मेरे भाई, है ना? करवाएगा ना मेरे भाई? भाई करवाएगा ना? चल यार। एक प्लेट समोसा, एक प्लेट इडली और केचप भी देना, चटनी भी। अबे हम लोग ऐसे टकराते क्यों रहते हैं? शायद अच्छी दोस्ती की शुरुआत ऐसी होती होगी। वैसे दोस्ती से आता है, तूने मेरे दोस्त को कल ठीक से देखा था ना?
कौन वो डरा हुआ सा? हाँ मन्नू, कैसा लगा? हम साथ में लंच कर रहे हैं क्या? ओ सॉरी बोलने आया होगा ना, बैठे रहे। बात तो सुन, वो मन्नू है ना, वो तेरे को आस्क आउट मारने की सोच रहा है, सोचने दे। हाँ सोचने दे। सही है, वैसे तू भी इसमें इंटरेस्टेड है? ई मैंने अभी तक उसको ठीक से देखा भी नहीं है। हाँ तो अब देख ले, बुला दे तू मन्नू। मन्नू नहीं, पागल ही क्या? क्यों क्या हुआ? हीरो नहीं है? लेयर देख उसके, एकदम ओरिजिनल, और जीन्स एकदम फट्टे, स्टाइल है यार बंदे में, एकदम फैशनेबल। एक बार मिलके तो देखो उसे। मुझे नहीं घूमना किसी की हीरोइन बनकर, और ऐसे लड़कों से तो मैं दूर ही रहती हूँ। हाँ तो दिल का तो एकदम सिंपल है यार, और दिमाग से एकदम सिंपल, स्वीट एकदम, मिलके तो देखो उसे। चल बुला ले। बनो अबे आना। ये मन्नू है, और एक्चुअली मैं तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गया। साशा। लवली नेम। एक्चुअली अच्छा नाम है। हाँ तो बता क्या बात करनी थी। नहीं मतलब हाँ वो बोल। एक्चुअली ना मैं बहुत फनी किस्म का इंसान हूँ, और वो वेज और नॉन वेज दोनों तरीके के जोक आते हैं मुझे। हो गया निकलू? नहीं नहीं मैम नहीं मतलब साशा वे डंपी रुक। तो मनु कैसा लगा? मैं मतलब देख सीधा साधा से हिसाब है, मुझे डिग्री कॉलेज में जाके सीरियस वाला अफेयर करना है, तब तक इस टाइम पास अफेयर के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ तो किस टाइप के लड़के पसंद है तुझे? अगली बार उसे वो ही बना लाएंगे। हाँ तू अपने दोस्त से कुछ ज्यादा प्यार नहीं करता, अपने लिए क्यों नहीं पूछ रहा? मैं तुझे पसंद नहीं आई क्या? हाँ लेकिन उसने तेरे को पहले देखा था ना। एक्चुअली तूने मुझे पहले देखा था। लेकिन यार के प्यार पे वार सब जीना बेकार यार। वैसे तू फिर भी ठीक है, स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन जो तेरा दोस्त है ना वो थोड़ा सपोर्टिंग कास्ट टाइप है। बनना तो तुझे हीरोइन है ना, सपोर्टिंग कास्ट वाले के साथ इमेज डाउन हो जाएगी। एक काम कर, अपने फ्रेंड को जाकर बोल दे कि मुझे उसका फ्रेंड फिर भी ठीक लगा। सुन ले मैं क्या बोल रही हूँ, फिर भी ठीक लगा। अगर वो सॉरी बोले तो क्या? मैं नहीं बोला मैंने सॉरी। ठीक है एक हफ्ते बाद आऊंगी, अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर ले, सोच लेना सॉरी बोलना या नहीं। क्यों बाहर आना, तुझसे कुछ बात करनी है। अबे देखो मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? अरे जुगाड़ से मिला तेरा नंबर। बाहर आना बात करनी है। नहीं 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 मैं नीचे नहीं आ सकती। गॉड तू परा चुपचाप। हाँ चल ठीक है आता हूँ। ओह साशा तू मेरे बारे में भूल जा यार। डन चल चल अब निकल। सीरियसली यार अपने फ्रेंड को दगा नहीं दे सकता। एक्चुअल बात बता क्यों आए यहाँ पर? वो मैं तेरे बारे में सोच रहा था, फिर मैंने सोचा सोचने में क्या पॉइंट है, जाके मिल ही लेता हूँ, तो भाई की बाइक लेकर आ गया। क्या बात करनी है? तू मुझे एक्चुअल में लाइक करती है? एक्चुअल में मैं किसी को लाइक नहीं करती, एक्चुअल में मुझे अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। लाइफ मतलब करियर? तूने सोच लिया तुझे क्या करना है? हाँ तो 12th खत्म हो गया ना, तूने नहीं सोचा? यार मैं तो सिर्फ आज के देखता हूँ, आज का दिन बार बार नहीं आता, कल की फिक्र करते करते आज का दिन कब निकल जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। कुछ भी प्लान बनाओ भाई, प्लान प्लान पर चलो, मैंने तो अपना बना लिया। क्या करने वाली है? पहले इंजीनियरिंग, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फिर MBA, और फिर 1,00,000 पर मंथ की सैलरी 25 तक। 1,00,000 इतने मिल जाते? हाँ तो छी तुझे इतना भी नहीं पता मैंने तेरे बारे में क्या क्या सोचा था, स्मार्ट कॉन्फिडेंट,
फिर तेरा तो लाइफ में कोई प्लान ही नहीं है यार। ऐसे मत बोल यार, मैथ्स में इस बार 68 मिले मुझे। तेरा सच में कुछ नहीं हो सकता भाई, प्यार से पेट नहीं भरता, पैसों से भरता है। पेट से ज्यादा यार, तेरे फ्रिज में कुछ है खाने लायक? कैसा है यार तू, कैंटीन में खुद को मेरी सीट पे इनवाइट कर लेता है और मेरे घर आकर खुद को डिनर पे इनवाइट करेगा क्या? डिनर थोड़ी ना मांग रहा हूँ, ऐसे ही कुछ लाइट सा। और वैसे भी मेहमानों को खाली पेट नहीं भेजते हैं। सुन 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 सुन, तुझे मेरी पेट की पुकार सुनाई दे रही? फ्रिज में कुछ है तो दे दे, फ्रिज में कुछ है तो दे दे। लेके आती हूँ, लेकिन जब तक मैं लेकर ना हूँ ना, प्लीज आवाज मत करना। ओके। साशा। हलवा। आज मुझे लगा मैंने फिर से वेट पुट ऑन कर लिया है। मोटी हुई हूँ मैं, मोटी मोटी मोटी। वैसे मुझे तो नहीं लग रही तू मोटी। तेरी डेरी के जोर मेरी डायरी पढ़ने की। डायरी दे। आज मैं नहाए बिना कॉलेज चल गई और मैंने सारा ब्लेम सिमी पर डाल दिया। ये यार बहुत जल्दी। आ डायरी दे। पढ़ने दे यार। अरे बाबा। पढ़ने दे। ये नहीं। आज मुझे एक लड़का मिला डंपी नाम का। हाँ, अपने फ्रेंड की सेटिंग कराने आया था। फ्रेंड से तो वो बेटर है। इस लड़के में कोई बात नहीं है, फोकस ही नहीं है लाइफ में। क्या करना चाहता है, फुकरा टाइप का है, फुकरा टाइप का है, लूजर है। मैं तुझे लूजर लगता हूँ, फुकरा लगता हूँ? देख, अगर लाइफ में तुझे फ्रेंक ओपिनियन अच्छे नहीं लगते ना, तो इसे डायरी पढ़ने जैसे पंगे भी नहीं लेने चाहिए। भूख लगी थी ना, ये ले हलवा खाओ, मुंह ठीक कर। वैसे ये सब कुछ भी तूने प्लान किया था ना, डायरी के द्वारा मुझे हर्ट करना? वैसे भी तू सब कुछ प्लान करती है। अपना ना मुंह बंद कर ले पहले। और दूसरी चीज, मेरे प्लानिंग का ना बार बार मजाक मत उड़ाया कर। 10 साल बाद देखना कि तू कहाँ होगा और मैं कहाँ होऊंगी। मैं तो कहीं विलायत में जाके MBA कर रही होंगी और तू यही कहीं पार्क में ना गुब्बारे फुला रहा होगा। यही तो है ना मेरी औकात, गुब्बारे तो बेचूंगा मैं, फुकरा हूँ, लूजर हूँ। चल ठीक है ना, अब ज्यादा फुटेज मत खा। एक तो फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं है, ऊपर से ड्रामे करता घूमता है। और वैसे भी ना तेरे को लाइफ में कोई लड़की नहीं मिलने वाली, क्योंकि लड़कियों को तो ऋतिक जैसे स्टड अच्छे लगते हैं। तो क्या करूं? अब तू देख क्या करना है, मतलब अगर तेरे को मेरी जैसी लड़की चाहिए तो तुझे कुछ तो बनना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर तू सॉरी बोल देगा, मतलब मेरी जैसी लड़की सोच सकती है कि अगर लड़के ने सॉरी बोला है तो माफ कर देते बेचारे को और एक चांस दे देते है। मैं सब कुछ कर लूंगा, सॉरी नहीं बोलूंगा। अरे साशा यार, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? तुझे मेरा नंबर किसने दिया? वो डंपी ने दिया। और किसने? कहाँ है वो? कौन, डंपी? अरे उसकी फैमिली तो दिल्ली शिफ्ट हो गई ना, और उसने अपना डिग्री कॉलेज भी वहीं से करना है। कब? 2 दिन पहले। अरे तो वो छोड़, तू ये बता अभी क्या कर रही है? कॉफी पीने चले? हाँ, इसके बाद फ्री तो होगी ना तू? हाँ साशा चले ना। अरे साशा सुन तो, अरे बहुत मजा करेंगे यार, मूवी भी देखेंगे। डंपी के बारे में साशा एक्चुअली तब सोचने लगी जब वो उसे बिना बताए चला गया। डंपी उसे कितनी सारी चीजें कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। वो उसके चिढ़ाने का बुरा मान गया था। लाइफ में कई बार हम जो चीजें नहीं कहते उन्हीं से हमारी जिंदगी बदल जाती। डंपी और साशा दोनों के बीच 5 साल गुजर गए ऐसे बिना एक दूसरे से बात भी की। ये तुम्हारे लिए मैंने बनाया। पेन ड्राइव? हाँ। इसमें 12 गाने जो मैंने तुम्हारे पैरों के लिए लिखे। मेरे पैरों के लिए? हाँ। 12 गाने? हाँ।
जिसको गाया भी मैंने है, कंपोज भी मैंने किया है और बजाया भी मैंने है। राइट। वाओ। तुम्हारे पैर में देखता हूं ना तो एक एक दर्द सा महसूस होता है। तेरी नाजुक सी एड़िया फितरत कर दे तेड़िया। ये ना बहुत ही रोमांटिक गाना है, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि मेरी एड़ियों के बारे में छोड़कर तुम्हें कुछ ऐसे चीजों के बारे में गाना लिखना चाहिए जिसको लोग सुनना पसंद करें? नहीं दिखता मुझे तुम्हारे से और कुछ भी। नहीं सोच सकता हूँ तुम्हारे बारे में और कुछ भी। तुम्हारे अलावा ना तो मैं गा सकता हूँ ना ही बजा सकता हूँ। तुम ही मेरी जिंदगी हो और तुम ही मेरे मन की धुन हो। पॉइंट नोटेड। अच्छा सुनो, वो जो तुम्हें कोई एड फिल्म मिलने वाली थी उसका क्या हुआ? नहीं समझ पाया मेरे टैलेंट को। मैंने अपने सारे गाने उनको सुना दिए पर शायद उन लोगों को मेरे दिल की जुबान समझ में नहीं आई। कहीं तुमने उनको ये पैरों वाले गाने तो नहीं सुनाए ना? हाँ तो क्या हुआ। मैं और तुम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझे किसी से नहीं छुपाना है। फिर चाहे वो जानना चाहे या ना चाहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेचुलेशंस, आपके बेटे की लाइफ में बहुत ही जल्द ट्रू लव आने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे आपके बेटे के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। जानकारियां तो मुझे आपसे चाहिए मैडम। मेरा लड़का बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है, एकदम बदल चुका है। एकदम मेहनती, काम के प्रति समर्पित और ईमानदार हो चुका है वो। अरे तो इसमें आप इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो? मुझे लगा था कि निकम्मा लड़का पैदा हुआ है, पर मुझे वैसा लग रहा है कि किसी का भूत उसके अंदर समा गया हो। देखिए भूत कुछ नहीं, बस हमें अपने लड़के के फ्यूचर के बारे में जानना है। उसकी एक अच्छी जॉब तो लग गई है, बस उसकी शादी कब होगी और एक अच्छी से घर की लड़की हमारे घर की बहू कब बनेगी, बस इतना ही जानना है। कैसी बहू चाहिए आपको अपने बेटे के लिए? जो संस्कारी हो और अच्छे घर से हो, बस। और जिसने मास्टर कंप्लीट किया हो, बस। उसका पहले कोई बॉयफ्रेंड ना रहा हो, बस। और थोड़ा घर के काम करने के लिए विलिंग होनी चाहिए, बस। बस बस। हाँ, और थोड़ी सुंदर होनी चाहिए, बस बस बस। बस बस बस। ऐसे तो आपको 5 अलग अलग लड़कियाँ ढूंढनी पड़ेगी। आपके बेटे की कोई फोटो है आपके पास? हाँ है ना, ये देखिए, ये मेरा बेटा है। किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। डंपी। हाँ, क्या तुम इसे जानती हो? अब हम इसे यश बुलाते हैं। हाँ, हम लोग 12th स्टैंडर्ड में साथ में पढ़ा करते थे। ये आप लोगों का बेटा है। हाँ। लेकिन आप लोग तो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे ना? हम लोग दिल्ली में ही थे, फिर 5 साल बाद ट्रांसफर करवा कर यहाँ आ गए। लेकिन मेरे बेटे का कहना है कि शादी के बाद हम लोग वहाँ फिर से शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जब तक यहाँ है हम लोग उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। डंपी यहाँ है मुंबई में। हाँ, जूनियर कॉलेज का सर्टिफिकेट लेने गया। 5 साल हो गए पर अब तक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं लिया। अभी यार रात को 4 बजे कॉल कर देगी और अगर नहीं उठाया ना तो रोना चालू कर देगी कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। मेरी भी तो कोई लाइफ है ना यार। यार मैं ना सिंगल ही ठीक था। अबे वैसी कोई बात नहीं है, बंदी सी क्यों नहीं चाहिए यार, बस तू उसे छोड़ देना। यार फिर मैं सोचता हूँ हर बंदी तो एक जैसी होती है, इसका नहीं तो किसी और का रोना सुनना पड़ेगा। क्या यार, मैं ना सिंगल ही ठीक था यार। ए मनु। हाँ। तुझे साशा याद है? अबे जिसने 12th में तुझे छोड़ दिया था। अबे तू जानबूझ के उसकी बात करता है ना। अबे कहाँ जा रहा है, सुन तो। भैया एक फ्रेंच फ्राइज और बर्गर, उसमें चीज कम डालिएगा और केचप थोड़ा सा ज्यादा। भैया, ओ हाय, पहचाना ना? अबे केक वाला। तुम सुबह याद है केक वाला? ओ हाय साशा। ये कौन है? ये कम ऑन यार मनु, मैं भी तो उस दिन केक लेके आया था। बता। वेल,
इंजीनियरिंग कर चुका हूँ, एमटेक कर रहा हूँ, वर्क एक्सपीरियंस की प्लेसमेंट भी लग चुकी है और उसके बाद अब्रॉड एमबीए। वेरी गुड। सिर्फ वेरी गुड, थोड़ा तो और रिएक्शन दे। जो तू कर रहा है ना वो दुनिया के लाखों और हजारों लोग करते हैं, उसमें थोड़ा और रिएक्शन क्या दूं? ओए, अपने 5 साल पहले वाली बात भूल गई? तुझसे तो बेटर कॉलेज मिला होगा मुझे। मैंने इंजीनियरिंग की ही नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते ना आज में जीना छोड़ देते हैं, तो मुझे अपना आज वेस्ट नहीं करना था। ओए, ये तो मेरा डायलॉग है। लेकिन तूने सच में इंजीनियरिंग नहीं की, तो तू कर क्या रही है? मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, लेकिन फिलहाल मेरा पूरा ध्यान मेरी टैरो क्लासेस रीडिंग को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। टैरो? तेरी कार्ड्स निकाले, चल देखते हैं तेरे कार्ड्स में क्या आता है। कार्ड्स तेरा फ्यूचर क्या बताता है। ओके, चल एक कार्ड उठा। तेरे पास वो तोता फोता नहीं है? जी नहीं, क्योंकि इससे पहले ना मैं एनिमल राइट्स के लिए लड़ रही थी। अब कार्ड उठा। यार ये कर क्या रही है? तेरे बोलने पे मैंने इंजीनियरिंग की, एमटेक कर रहा हूँ, तू ये पत्ते पलट रही है। देख टैरो कार्ड का ना मजाक मत उड़ा। तुझे पता है अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स मुझे 21 साल की उम्र में बहुत ही लविंग और केयरिंग लड़का मिलने वाला था, तो मिल गया। तो मतलब तूने बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया? वो इंजीनियर होगा? नहीं, म्यूजिशियन। तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम दोनों ने अपनी लाइफ एक्सचेंज कर ली है? बात तो तूने बहुत पते की थी यार, पता है फिर इन बातों को मैंने 5 साल में कितना मिस किया। और मुझे याद क्या? वैसे तेरा जो बॉयफ्रेंड है वो तो म्यूजिशियन है ना? हाँ, मतलब फिलहाल अभी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन पता है उसकी गाने में ना बहुत दर्द है, एक अजीब सी फीलिंग आती है यार उसका गाना सुन के। मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाएगी? तुझे मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना है? हाँ, देखना चाहता हूँ 5 साल में तेरा टेस्ट कितना बदल गया। ओके। क्यों हुआ है? मुझे नहीं पता भाई। पूछ नहीं रहा हूँ, ये गाने के अल्फाज हैं जो मैंने साशा के लिए लिखे। पूरे 3 दिन लग गए मुझे कंपोजिशन बनाने में। 3 दिन लग गए सिर्फ क्यों लिखने में? बेबी कोई दूसरा गाना सुनाओ ना। कौन सा? वो जुल्फो वाला? नहीं बेबी, वो गाना मैं अगर गाऊंगा ना तो मुझे रोना आ जाएगा। ओके ओके ठीक है, तुम इतना ही बोल रही हो तो मैं वो भी गाना गाता हूँ। तेरी जुल्फो से सुल्फो से खून कैसे बहा? I mean, हेड इंजरी थी क्या? तुम्हें शायद कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ है। अगर होता तो तुम्हें ये समझ में आता कि प्यार में एक बंदा कितना हर्ट हो सकता है जब अपनी ही गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखता है। साशा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारा यूं किसी के साथ भी मिलना जरा भी पसंद नहीं है। हमारे प्यार की जो रिदम है ना वो अपसेट हो जाती है। एक दूसरे की लाइफ में इतना भी इंटरफेयर नहीं करते ना, पुराना दोस्त है वो मेरा। एक्चुअली दोस्त भी नहीं, मैं तो अपने दोस्त की सेटिंग कराने के चक्कर में था, तब तो ये बहुत अलग हुआ करती थी। 5 साल पहले अगर मुझे कोई कहता कि साशा टैरो कार्ड रीडर बन जाएगी और एक म्यूजिशियन की गर्लफ्रेंड, मैं नहीं मानता। मैं तो एक अलग साशा को जानता हूँ। मैं अब भी वही हूँ, बस लाइफ में चॉइसेस थोड़ी सी चेंज हुई है, लेकिन लड़की तो मैं वही हूँ। ले एक गाना गा ले साशा के लिए। अरे नहीं यार, मुझे गाना गाना नहीं आता। जानता ना तू अलग साशा को, गा गा एक गाना गा। नहीं यार मुझे गा। आशीष आशीष एक मिनट प्लीज। पागल हो क्या, क्या कर रहे हो ये? पर ऐसे कोई घर पे आता तो उसके साथ कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? बैठो तुम लोग, बैठकर अपनी पुरानी यादें ताजा करो, और मैं तो मेरी तन्हाई के साथ ही ठीक हूँ। साशा सुनना, ठीक है ना तू? मुझे पता
मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी कभी जब मैं उसके साथ होती हूँ तो सांस भी नहीं ले पाती हूँ। सांस नहीं ले पाती क्यों? तू सांस नहीं ले पाती। वैसे तुझे एक बात बताऊं, जब उसने गाना गाना शुरू किया ना तो एक बार तो मैं भी सांस नहीं ले पा रहा था। तेरा तो अंडरस्टूड है। पिछले 5 सालों में ना मैंने तुझे बहुत बार मिस किया। इनफैक्ट जब मुझे मुंबई आने का चांस मिला तो मैं झट से आ गया। मैं होप कर रहा था कि तू मुझे यहाँ मिल जाए। आफ्टर ऑल अगर तेरी जैसी लड़की चाहिए तो कुछ बनकर तो दिखाना पड़ेगा। देख, बन तो मैं रहा हूँ, दिखाने आया हूँ। डंपी यार, प्लीज यार फ्लर्ट मत कर। और तेरे को पता है ना मैं अभी किसी के साथ हूँ। चल अभी इतना सैड होने की भी जरूरत नहीं है। आई एम श्योर दिल्ली में भी तूने कोई पटाखा तो पटाके रखी होगी। देख, हम लोगों का इतने साल का बॉन्ड है, तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। दिल्ली में मेरी निकल पड़ी। 12th में जब तूने मुझे देखा था ना तो मैं ऐसा ही था यार, फुकरा। लड़कियों की नजर भी नहीं पड़ती थी मुझ पे, लेकिन दिल्ली में मेरे जैसे फुकरों की बहुत डिमांड है। 4-4 एक्सेस पटाई मैंने। लेकिन फिर भी तेरे को बहुत बार याद किया। तो प्रिंसिपल के लिए केक लाई थी यार, बड़ी क्यूट लग रही थी। तू भी तो केक लाया था। वो तो प्रिंसिपल की केक में हमने बकरी का जुलाब मिला दिया था। साला क्लास में सबके सामने चलाया था हम पे बदला लेने के लिए। बकरी का जुलाब? वही तो, कहा था मैंने मनु को हाथी का लेकर आना, लेकिन साला सस्ते में मिला ना इसलिए बकरी का ले आया। बकरी। अगर मैं तुझे अभी कभी किस करूं तो कैसे रिएक्ट करेगी? तंपी यार, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई ये बोलने की? क्या हुआ? एक तो तू अचानक चला जाता है, ऊपर से 5 साल बाद आकर तू मुझसे ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं तेरे लिए यहीं की यहीं खड़ी रहूंगी, और जब मैं किसी के साथ हूँ तो तू मुझसे ये पूछ रहा है कि तू मुझे किस करेगा तो मुझे कैसा फील होगा? हाँ यार, मैं कितने कमीने टाइप का लड़का हूँ। अब तुझे पता ही चल गया कि तू कितना बड़ा कमीना है, तू सॉरी भी बोल दे। सॉरी? तंपी देख यार, जल्दी से बोलना क्योंकि पापा आने वाले हैं, उससे पहले तुझे निकलना पड़ेगा। तू 5 मिनट में 2 मिनट के लिए बैकयार्ड आएगी? क्यों, तू सॉरी बोलेगा? खुद देखिए ना। सिर्फ 2 मिनट? 2 मिनट इज इनफ। 2 मिनट्स ओनली, दैट्स ऑल आई नीड। सी यू इन 5। आ गई? तेरी घड़ी में टाइमर है? मेरे पास घड़ी नहीं है। मेरी घड़ी में टाइमर है। देख, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट में मैं तुझे 300 बार सॉरी बोल सकता हूँ, या फिर 2 मिनट हम जी भर के फन कर सकते हैं और एक बार सॉरी बोल सकता हूँ। पता क्या करना है? चल ठीक है, एक बार सॉरी बोल दे। डन। और हमारे 2 मिनट शुरू होते हैं अब। पहले डिनर इन अ वंडरफुल गार्डन रेस्टोरेंट, प्लीज। तड़ा। चॉकलेट। नाइस ना? हैव। चॉकलेट में नमक ज्यादा है ना? एक्चुअली मुझे चॉकलेट बिना नमक के ज्यादा अच्छी लगती है। फिल्म चलेगी मेरे साथ? ओके, लेट्स गो। जल्दी जल्दी जल्दी, कॉमेडी है हमारे पास। सॉरी यार, थिएटर थोड़ा छोटा है। इट्स ओके। हे, ये तो मेरी फेवरेट फिल्म है। मुझे याद है। ओह, आई एम इंप्रेस्ड। यू शुड बी। बकवास फिल्म है यार। शॉट्स करें? शॉट्स। चल ना। चल। गो। ये कब कहाँ से चुराया तूने? वो तेरी किचन से। धोखा रख दूंगा वापस। Cheers. Cheers. ये क्या था? सोडा। 5 मिनट में शराब कहाँ से लाता? रस्ते वाली क्या बात है? तू टल्ली हो गई है। तू टल्ली हो गई है ना? है ना? है ना? है ना? चल तुझे रूम तक छोड़ता हूँ। अच्छा बच्चू, सीधा रूम तक पहुँच गया। By the way, तेरे 2 मिनट खत्म होने में ना सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए। चल जल्दी सॉरी बोल। सॉरी तो? देखा, मुझे पता था तू नहीं बोलेगा। फिर भी तू आई। चल ठीक है, जो बोलना है वो बोल दे। बोल देता अगर तेरा वो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नहीं होता तो। आई विश मेरा इट्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, एंड आई सो विश कि तू इतना बड़ा इडियट नहीं होता। 5 साल गुजर गए ना डंपी, कुछ भी नहीं बदला। इतना सब कुछ तो बदल गया, तू इतनी सॉर्टेड हो गई है। तेरा इंजीनियरिंग, MBA, 1 लाख रुपए की नौकरी, मुझे पता है
तेरी ये सारी बातें सुन सुनकर मैं कितना बदल गया हूँ, और वो मेरा आज के दिन वाली बात वो सुनकर तू बदल गई है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड भी बदल जाएगा यार। लेकिन तो तब भी इतना ही बड़ा आइडिया रहेगा। 5 साल बाद मिलना कॉलेज फायर में, फिर देखना कौन बदला है। मैं नहीं आऊंगी। तू आएगी? मैं नहीं आऊंगी टम्पी, क्योंकि मैं अब किसी के साथ हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, तू आएगी। चाशा बेबी, आज अगर मैंने कुछ नहीं कहा ना, तो जिंदगी भर अपने आप को गालियां देता रहूंगा। बेबी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और जिंदगी भर तुम्हें अपने सामने बिठाकर गाने गाना चाहता हूँ। शादी कर ले मुझसे। और फिर से डंपी और साशा सेपरेट हो गए, शायद आखिरी बार। कुछ चीजें थी जो उसे सुनना चाहती थी, कुछ चीजें थी जो वो कह नहीं पाए। आशीष के ऐसे प्रपोज करने के बाद डंपी और साशा के दोबारा मिलने के चांसेस कम लग रहा था, लेकिन हम जीते हैं होप पे यार। एंड ओवर टाइम लव एक बार मर सकता है, बट होप कभी नहीं मरेगा। हेलो। हाँ भी डंपी, भूल गया अपने भाई को, तू तो फोन ही नहीं करता यार। अच्छा सुन, अंकल बता रहे थे कि तेरा प्रमोशन हो गया। हाँ यार, साल भर हो गया प्रमोशन को, टाइम ही नहीं मिलता है उसके बाद। तू बता तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है? साल ग्रेजुएट हो रही है ना वो। यार जब से ग्रेजुएट हुई है ना वो पिछले साल, भाई को पीछे ही पड़ी हुई है। शादी कब करेंगे, शादी कब करेंगे। शादी मुबारक हो भाई, कल मुंबई पहुंच रहा हूँ। हाँ यार, तू साशा के टच में है क्या? सच बोलूं, कभी कभी उसकी प्रोफाइल चेक कर लेता हूँ, सब खबर है उसकी, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, कौन उसका स्टेटस लाइक कर रहा है, जो उसे भी लाइक करता है, सब जानता हूँ उसके बारे में। यार पिछली बार एक साल पहले तुझे शादी के स्टेटस में टैग किया था, उसके बाद से तेरा कुछ पता ही नहीं, कहाँ गया बे तू? यार सुन, मुझे MBA के लिए एडमिशन मिल गया लंदन में। अरे वाह क्या बात है, तेरा भाई विलायत से डिग्री लेकर ही आएगा। अरे वाह यार वाह, कांग्रेचुलेशंस। एक आखिरी बार मुंबई आ रहा हूँ, शायद साशा मिलने आ जाए, अगर उसे याद है तो। तुझे लगता है कि वो तुझसे मिलने आएगी? नहीं यार, वो आएगी। सब कुछ कर लूंगा, सॉरी नहीं बोलूंगा। पता है तेरी इन बातों को मैंने 5 साल में कितना मिस किया? मुझे याद क्या? पढ़ने की डायरी दे, डायरी दे, डायरी दे। आज मैं नहाए बिना कॉमेडी हमारे पास जी। फिर भी तू आई। साशा को वहां देखकर डंपी सोचने लगा कि कहीं वो इमेजिन तो नहीं कर रहा। उसके सांस में सांस आ गए, बॉडी में खून दौड़ने लगा। डंपी को पता था कि वो नहीं आएगी, और वो क्यों नहीं आएगी ये भी डंपी को पता था, बट शिखे She came. 5 साल के बाद साशा उसे पहली बार देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिछले 10 साल कहीं गए ही नहीं। वो ही डंपी था जो इतना बड़ा इडियट था कि एक छोटी सी बात ना 10 साल पहले कह पाया ना 5 साल पहले। और फिर साशा सोचने लगी कि आज भी वो इडियट कुछ कह पाएगा या नहीं।
हाय हाय, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, लेकिन तू आ तो गई। टम्पी, मैंने तेरे बारे में बहुत सोचा। कौन? हाय हाय, हाउ आर यू? गुड, बट आई मिस्ड यू। ओह, आई एम रियली सॉरी साशा, मुझे तुझे पहले बता देना चाहिए था, ये सिमी है। हाय। ओ फिश, आई एम रियली वेरी सॉरी। हाय, आई एम साशा। मैं और टम्पी एक ही कॉलेज में थे। एक्चुअली मैं टम्पी को हाय कहने आई थी, इनफैक्ट बाय कहने आई थी। टम्पी लंदन जा रहा है ना? सी यू। सिर्फ एक मिनट और, सॉरी। हम जब भी मिले कितना अलग अलग होकर मिले ना। जब मैं 17 की थी तो मैं करियर माइंडेड, और तू फुकरा। जब 22 के होके मिले तो मैं आज के दिन को आज के हिसाब से देखने लगी, और तू बन गया इंजीनियर। पता है मैं कितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि तू अपने दोस्त को साइड में रखकर खुद अपने लिए आकर मुझे पूछेगा, लेकिन तूने नहीं पूछा। फिर जब तू मुंबई आया तो मैं कितना एक्सपेक्ट कर रही थी कि तू आशीष को साइड में रखकर तू मुझे किस करेगा, लेकिन तूने नहीं किया। तू तब भी इडियट था और तू आज भी इडियट है, और मैं अब इस कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन में फंस गई हूं। यार तो तू मुझसे अब क्या चाहती है? जस्ट से सॉरी। जैसे तूने मूव ऑन किया वैसे मुझे भी मूव ऑन करने दे। मूव ऑन? मैंने कैसे मूव ऑन किया? देखा, मैं जानती थी तू सॉरी नहीं बोलेगा। सॉरी गाइस, लेट हो गया। ओ हाय साशा, हाउ आर यू? तू मेरी वाइफ से मिली? लव मैरिज है मेरी। ये तेरी वाइफ है? ऑफ कोर्स यार, मैरिज सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। चलो बेबी, हम चलते हैं, ये बाद में आ जाएंगे। हाँ बाय। ओ अच्छा, तुझे लगा ये मेरी बंदी है इसीलिए सब ड्रामा? तभी मैं सोचूं ये सब शुरू कैसे हुआ। मैंने तुझे पहले भी कहा था यार के प्यार पे वार मतलब जीना बेकार। देख साशा, 1.5 साल का कोर्स है, पसंद आया तो वहीं सेटल हो जाएंगे। और मेरी टैरो क्लासेस का क्या? टैरो की कंपनी होती है। और पिलाटी भी तो है ना, मैं तो 5-star जिम में पिलाटी ट्रेनर हूँ। यार जो पिलाते हैं या जो भी है तो वही कर लेना, तब तक मैं अपना MBA कर लूंगा। मतलब कम से कम हम में से किसी का तो कल का प्लान होना चाहिए। और दूसरा, आज को हैप्पी बनाने पे ध्यान दे सके, बात सही ना? I'm sorry, I'm really sorry.